इस मूवी में हमें तीन प्रकार की दुनिया दिखाई गई है, यानी कि हमें तीन प्रकार के अलग अलग किंगडम दिखाए गए हैं, जिसमें से एक जमीन जिसका नाम अर्थराम था, दूसरा हेल यानी कि जहन्नुम जिसका नाम नेदरराम था, और तीसरा आउटवर्ल्ड राम जहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग रहते थे। ये तीनों किंगडम के बीच में आपस में बहुत ही लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि हर कोई दूसरे किंगडम को हराना चाहता था ताकि वो उस पर रूल कर सके। फिर जब फाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तब डिसाइड किया जाता है कि इन सब के बीच में एक युद्ध यानी कि एक वॉर होगा, और इसी वॉर के नाम पर इस मूवी का नेम है यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट। और जो भी ये वॉर जीत जाएगा वो दूसरे किंगडम पर राज करेगा और बाकी किंगडम के लोगों को अपने किंगडम में लेकर आएगा, और इस वॉर के टोटल 9 राउंड हो गए। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर शेंग सोंग नहीं चाहता था कि उन सबके बीच में मॉर्टल कॉम्बैट वॉर हो, क्योंकि वो खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता था और वो लोगों को बिना वॉर के ही मारता रहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पुराने जमाने का जापान के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हांजो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ, बेटा और एक छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ पर रहता था। हांजो अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था, वो अपनी लाइफ में काफी खुश था। फिर जब एक दिन वो घर पर नहीं होता है तब उसके घर पर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर बीहान अटैक कर देता है और वो यहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है, और फिर वो हांजो की वाइफ और बेटे को भी पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले हांजो की वाइफ ने अपनी छोटी सी बच्ची को घर के नीचे वाली जमीन के नीचे छुपा दिया था। फिर बीहान हांजो की वाइफ और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हांजो आ जाता है तो वो देखता है कि सब लोग मरे हुए थे। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का वो वॉरियर बीहान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हांजो काफी पावरफुल थे, वो अपने एक छोटे से खंजर से ही सबको मार गिराते है, और फिर आखिर में वो बीहान को मारने के लिए आते है। दोनों में काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन बीहान सारे रूल तोड़कर हांजो को मार गिराता है। फिर हांजो की सोल नर्क की दुनिया यानी कि नेदर रियल्म में चली जाती है, और फिर वहाँ पर अर्थ के लीडर लॉर्ड ड्रेडन आ जाते हैं और वो उस छोटी सी बच्ची यानी कि हांजो की बेटी को वहाँ से निकालते हैं और हांजो का खंजर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड मॉर्टल कॉम्बैट वॉर के 9 राउंड ऑलरेडी जीत चुका है और वो बहुत ही जल्द दुनिया पर कब्जा करने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रिडिक्शन भी था कि हांजो का खून बहुत से यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम यानी कि आउटवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसी के कारण आउटवर्ल्ड के लीडर शेंग सुंग ने हांजो के परिवार को मरवा दिया था। और जब उसे ये बात पता ही चल गई थी इसलिए वो अर्थ के जितने भी प्रेजेंट टाइम के वॉरियर थे उन सबको मरवाना चाहता था, और जिन लोगों को अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए चुना गया था जो कि वो किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे उनकी बॉडी पर ड्रैगन जैसा एक निशान बनाया गया था, जिसमें से हमें कोल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसे अक्सर हांजो और उसके खंजर के विजन दिखते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि शेंग सुंग के कहने पर बीहान कोल की फैमिली को मारने के लिए आता है, लेकिन जब उसके साथ उसकी फाइट चल रही होती है तब जैक्स नाम का आदमी वहां पर आकर उसे बचा लेता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी एक दोस्त का एड्रेस देता है और कोल और उसकी फैमिली को वहां पर चले जाने के लिए कहता है, और फिर वो खुद बीहान से अकेला लड़ने लगता है। बीहान उसके दोनों हाथ फ्रीज करके उसके दोनों हाथ ब्लास्ट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते है कि कोल और उसकी फैमिली जैक्स की दोस्त के घर पहुँच गए थे जिसका नाम सोनिया होता है। वो बताती है कि मैं और जैक्स एक साथ आर्मी में काम किया करते थे और हमें ऐसे लोगों को ढूंढने का टास्क दिया गया था जिसकी बॉडी पर वो ड्रैगन वाला निशान है, जिससे पता चले कि वो अर्थ किंगडम के वॉरियर है, और तब से ही हम उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कॉल को बताती है कि तुम्हारी बॉडी पर भी वो ड्रैगन वाला निशान है, इसका मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे और तुम्हें नेचर ने सिलेक्ट किया है। कॉल ये सब सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तभी सोनिया कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमें वॉर के लिए बाकी लोगों को ढूंढना होगा जिसकी बॉडी पर ऐसा निशान है जिसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर सोनिया कॉल को केनो नाम के एक आदमी से मिलवाती है जो हमेशा गुस्से में रहा करता था और उसकी बॉडी पर भी वो निशान था। वो लोग बातें कर ही रहे होते है तभी वहाँ पर रिप्टाइल जैसा एक क्रिएचर आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, जिसके पास इनविजिबल होने की पावर थी, और इसे भी शेंग सुंग ने कॉल को मारने के लिए भेजा था। फिर वो लोग उससे फाइट करने लगते हैं और आखिर में केनो उस क्रिएचर को मार डालता है। फिर जब केनो वहाँ पर पड़े डॉक्यूमेंट्स देखता है तो उसे वहाँ पर एक टेंपल दिखाई देता है जहाँ पर अर्थ के सारे वॉरियर को ट्रेन किया जाता था, और इस टेंपल के बारे में केनो के सिवाय कोई भी नहीं जानता था। लेकिन केनो को इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और न ही वो उस जगह के बारे में किसी को बताना चाहता था। फिर सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है जिसके लिए वो मान जाता है, और फिर वो लोग एक प्लेन के जरिए वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते है, और ये जगह डेजर्ट में एक टेंपल था जिसे किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उसे लू केंग नाम का एक आदमी भी मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का एक वॉरियर था, और वही उन्हें उस टेंपल के अंदर लेकर जाता है।
अंदर जाने के बाद उन लोगों को मोर्टल कॉम्बैट की हिस्ट्री की सारी पेंटिंग दिखाई देती है और वहीं पर हांजो और बिहान के बीच की लड़ाई की पिक्चर भी होती है, जिसे देखकर कॉल को वापस विजन दिखने लगते हैं। और यहीं पर हम जैक्स को भी देखते हैं। लॉर्ड रेडन उसे पहले से ही यहाँ पर लेकर आए थे और यहीं पर उसका इलाज चल रहा था और उसे रोबोटिक साथ लगाए गए थे और ये किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड रेडन ने ही लगाए थे। वहाँ पर लॉर्ड रेडन उन सभी वॉरियर्स से मिलते हैं और कहते हैं कि वॉर में बहुत ही कम टाइम बाकी है, लेकिन अब तक तुम रेडी नहीं हो और तुम लोगों में कोई भी सुपर पावर नहीं है। तभी वहाँ पर शैंगसुंग खुद के वॉरियर्स के साथ इन लोगों को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी लॉर्ड रेडन वहाँ पर एक शील्ड बना देते हैं जिसके कारण उसका कोई भी वॉरियर्स वहाँ पर नहीं आ पाता है। ये देखकर शैंगसुंग और उसके लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इन नए आए लोगों के अलावा वहाँ पर लू केंग और केंग लो ये दोनों भाई होते हैं जो इन लोगों की ट्रेनिंग लेने लगते हैं ताकि इसके शरीर में जो भी मिस्ट्रियस पावर है वो बाहर आ सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोनिया को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पर वो मार्क नहीं था और ना ही कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान उन सबकी अपनी अपनी सुपर पावर रिवील होने लगती है, जैसे कि लू केंग अपने हाथ से आग निकाल सकता था, उसके भाई के पास एक ऐसी हेड थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी और केनो अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी, इसलिए वो निराश हो जाता है। तभी लॉर्ड रेडन उसे कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तुम ग्रेट लीडर हांजो के वंशज हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और तुम उन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए हो और पूरी दुनिया में तुम एक ही ऐसे वॉरियर हो जो इस ड्रैगन मार्क के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए तुम्हें हांजो का विजन दिखाई देता है। लेकिन तभी कॉल कहता है कि मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे अपने फैमिली के पास जाना है। तो लॉर्ड रेडन उसे उसके घर पर पहुंचा देते हैं। वो घर जाकर बहुत ही खुश होता है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैंगसुंग अपने योद्धा तैयार कर रहा था और उन सबको लेकर किंगडम अर्थ पर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसका एक वॉरियर केनो से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा और पावर भी देंगे। केनो वैसे भी बहुत लालची था, इसीलिए वो उसके साथ मिल जाता है और वो अपने लेजर की मदद से लॉर्ड रेडन का शील्ड तोड़ देता है और इस शील्ड के टूटने की वजह से शैंगसुंग अपने लोगों के साथ अंदर आ जाता है और फिर वहाँ पर शानदार फाइट होती है जिसमें शैंगसुंग की एक वॉरियर मिलेना सोनिया के साथ लड़ने लगती है। फिर लू केंग का भाई केंग लो शैंगसुंग को मारने के लिए जाता है, तभी शैंगसुंग की एक फीमेल वॉरियर बीच में आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। तभी केंग लो अपने ब्लेड जैसी हेड से उसके दो टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कॉल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब जायंट क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम गोरो था, जो उस पर अटैक करने लगता है। फिर जब कॉल देखता है कि वो क्रिएचर उसकी फैमिली पर अटैक कर रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी सुपर पावर रिवील होती है और उसकी बॉडी पर अपने आप एक आर्मर बनने लगता है और वो दौड़कर गोरो को मारने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और आखिर में कॉल उस क्रिएचर गोरो को मार गिराता है और वो समझ जाता है कि टेंपल पर भी हमला हुआ होगा और अगर ये दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और यही सोचते हुए वो वापस टेंपल की ओर जाता है जहाँ पर सोनिया को शैंगसुंग की एक वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक वॉरियर नहीं है तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर केनो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक्स के हाथ अभी भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे और वो बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथों में अजीब सी पावर आ जाती है और वो आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। फिर जब शैंगसुंग को पता चलता है कि कॉल हांजो की नस्ल में से है तो वो उसे मारने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी लॉर्ड रेडन एक ऐसी शील्ड बना देते है जहाँ पर वो लोग सेफली रह सकते थे और वो अपने सारे वॉरियर्स को एक एक करके वहाँ पर टेलीपोर्ट करने लगते है। लेकिन तभी बिहान कॉल को मारने के लिए जाता है और उसे बचाने के लिए केंगलो बीच में अपनी हेड डाल देता है, इससे कॉल तो बच जाता है लेकिन शैंगसुंग काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो केंगलो को पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है और उसे कोई भी नहीं बचा पाता है और वो सभी वॉरियर शील्ड वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पर वो सभी सेफ थे, जहाँ पर जैक्स लॉर्ड रेडन से पूछता है कि आपने केंगलो को क्यों नहीं बचाया। तभी वो बताते है कि मेरा काम अर्थ किंगडम को प्रोटेक्ट करने का है लेकिन मैं सभी लोगों को नहीं बचा सकता हूँ। तभी कॉल कहता है कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम लड़ाई करके उसे हराएंगे और उसका यही साहस देखकर लॉर्ड रेडन उसे हांजो का खंजर देते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम वॉर में इसे यूज करोगे तो हांजो की सोल हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर कॉल उसे कहता है कि हम शैंगसुंग के वॉरियर्स से सेपरेट होकर लड़ेंगे और इस तरह से अलग अलग उनके वॉरियर्स से लड़ेंगे तो हो सकता है कि हम जीत सकते हैं और सबसे आखिर में हम भी हान से लड़ेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी प्लान के साथ लॉर्ड रेडन कॉल लू केंग और जैक्स को आउट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैक्स की लड़ाई रिको से होती है, कॉल की लड़ाई मिलेना से होती है, लू केंग की लड़ाई कबाल से होती है और सोनिया को केनो से लड़ने के लिए भेजा जाता है जहाँ पर जैक्स और लू केंग रिको और कबाल को मार देते है। दूसरी ओर केनो सोनिया पर भारी पड़ रहा था लेकिन आखिर में वो उसे भी मार देती है और उसे
मारने के कारण उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन मार्क था वो सोनिया की बॉडी पर आ जाता है, यानी कि अब वो भी एक वॉरियर थी। और तभी उसकी स्पेशल पावर रिवील होती है और वो अपने हाथों से काफी पावरफुल एनर्जी फेंक सकती थी। और फिर वो वहां से आउट वर्ल्ड में आ जाती है जहां पर वो मिलेना को मार गिराती है। दूसरी ओर शेंगसोंग को अपने वॉरियर्स के मरने की खबर मिलती है तो वो बिहान को कोल की फैमिली को किडनैप करने के लिए भेज देता है। और जब कोल को इस बात की खबर होती है तो वो फौरन वहां पर जाता है जहां पर कोल बिहान से फाइट करने लगता है, लेकिन बिहान अपनी फ्रीजिंग पावर से कोल के हाथ को फ्रीज करने लगता है। फिर कोल वो खंजर बाहर निकालता है जिसे देखकर बिहान हैरान रह जाता है। और फिर बिहान उसी खंजर से कोल के हाथ को जख्मी कर देता है जिसकी वजह से कोल के हाथ से खून निकलने लगता है। और इसी खून के अट्रैक्शन की वजह से हांजो हेल किंगडम से आजाद होकर वहां पर आ जाते हैं। और अब वो एक स्कॉर्पियन बन चुके थे, यानी कि अब वो हेल किंगडम से बिलोंग करते थे, लेकिन अब भी वो अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करते थे। फिर कोल और हांजो दोनों बिहान से लड़ने लगते है। अब जो कि हांजो हेल से आया था इसीलिए वो वहाँ की आग को कंट्रोल कर सकता था और वो अपना मास्क निकालकर बिहान को जला देता है। और दूसरी ओर कोल अपनी फैमिली को वहाँ से आजाद करवा देता है। और फिर हांजो उसे कहता है कि तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड ड्रेडन अपने सभी वॉरियर्स के साथ आ जाते है। उसी के साथ साथ वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर शेंगसोंग भी आ जाता है जो बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने सभी वॉरियर की राख को इकट्ठी करता है और कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे चालाकी से हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी आर्मी लेकर आऊंगा। तभी लॉर्ड रेडन उसे कहते हैं कि तुम हार गए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ वो उस पर एक लेजर फेंक के उसे वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद लॉर्ड रेडन अपने वॉरियर्स से कहते हैं कि आज तो हम जीत गए हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में भी कोई युद्ध हो और उसके लिए हमें और भी ज्यादा अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉल एक और आदमी जो कि अर्थ किंगडम का वॉरियर है उसे ढूंढने के लिए जाता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।